Dear second year students, previous class we have seen assisting in sac syringing. Okay, assisting for sac syringing. Now we will see the assisting for removal of foreign body. A corneal foreign body is an object जो foreign bodies चली जाती है जो cornea में, वो जैसे कि metal, glass, wood, plastic, sand, etc. Either superficially adherent to or embedded in the cornea of the eye. The removal of the cornea foreign body is a procedure commonly performed in the clinic or emergency department settings. That means जो cornea में foreign body चली जाती है उसको removal ज़्यादातर ये procedure क्लिनिक्स में होता है या तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट सेटिंग में होता है. इफ कॉर्नियल फॉरेन बॉडीज आर नॉट रिमूव इन अ टाइमली मैनर दैट कैन कॉज प्रोलॉन्ग्ड पेन एंड लीड टू कॉम्प्लिकेशन सच एज इन्फेक्शंस एंड ऑक्युलर नेक्रोसिस. अगर मान लो फॉरेन बॉडीज को हम लोगों ने टाइम पे रिमूव नहीं किया है कॉर्निया से, तो ये प्रोलॉन्ग्ड पेन और कॉम्प्लिकेशंस दिखने लगेंगे, जैसे कि इन्फेक्शन एंड ऑक्युलर नेक्रोसिस, सुकुड़ना. ठीक है, इक्विपमेंट हम लोगों को क्या क्या नीड है. फर्स्ट टॉपिकल एनेस्थेटिक ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन, देन फ्लूरोसेंट स्ट्रिप्स. ये क्या करता है, टू हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ नंबर ऑफ आई प्रॉब्लम्स. इट इज ऑल्सो यूज टू हेल्प डिटेक्ट आई इंजुरीज सच एज फॉरेन बॉडीज एंड कॉर्नियल एब्रेशन. ठीक है, दैट मीन्स ये एक तो डायग्नोसिस पता करवाता है आई प्रॉब्लम्स का, प्लस ये डिटेक्ट कराता है अगर कोई इंजरी हो गई है आईज में या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट चला गया है तो उस चीज के लिए. देन कॉटन टेप्ड एप्लीकेटर वी हैव टू यूज, देन इरिगेशन फ्लूइड वी हैव टू यूज, प्लास्टिक सिरिंज डिवाइस टू रिमूव, मतलब एक डिवाइस आता है रिमूव करने के लिए फॉरेन बॉडीज को, वो यूज करेंगे. देन आई स्पर्ड जो होता है वो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कॉर्निया से फॉरेन बॉडीज को रिमूव करता है. आइस्ट्राइल 25 गॉस नंबर का निडल लेंगे और 1-3 mm का सिरिंज लेंगे. देन स्लिट लैंप यूज करेंगे. आफ्टर दैट टॉपिकल एंटीबायोटिक ऑप्थाल्मिक ऑइंटमेंट वी विल यूज. देन आई पैच. दीज आर द इक्विपमेंट्स वी हैव टू नीड ड्यूरिंग असिस्टिंग फॉर रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडीज फ्रॉम द कॉर्निया. प्रोसीजर, फर्स्ट वी हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड ऑल्सो देयर रिलेटिव. देन प्लेस टू ड्रॉप्स ऑफ एनेस्थेटिक ऑप्थाल्मिक सोल्यूशन इन साइड द लोअर आईलेट. ओके, रिमेंबर दैट आई बॉल में नहीं डालते हैं, आईलेट में डालते हैं. ठीक है, मीन्स कंजेक्टिवल सैक. वेट द फ्लूरोसेंट स्ट्रिप, वेट करना है फ्लूरोसेंट स्ट्रिप जो होता है. देन अप्लाई अ वेट फ्लूरोसेंट स्ट्रिप इन साइड द लोअर आईलेट टू इंस्टिल फ्लोरोसेंट इन टू द कॉर्निया. देन इंस्पेक्ट द, फिर चेक करना है लोअर आईलेट वाइल द पेशेंट लुक्स अप. जब ऊपर की तरफ देखेगा तो नीचे का आईलेट जो है, लोअर आईलेट जो है उसको इंस्पेक्ट करना है. आफ्टर दैट विद एन एप्लीकेटर वाइल द पेशेंट लुक्स डाउन स्वीप द रेसिस ऑफ द अपर कंजेक्टिवल फॉर्निक्स. फिर हमको ऊपर की तरफ का हमको चेक करना है, मीन्स आई के अपर साइड को हमको चेक करना है. इफ द फॉरेन बॉडी सुपरफिशियल इरीगेट द आई टू मॉइस्टन द कॉर्निया एंड अटेम्प्ट टू रिमूव द फॉरेन बॉडी बाय यूजिंग अ जेंटल रोलिंग मोशन विद अ वेटेड कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर. मीन्स अगर सुपरफिशियल एरिया में अगर फॉरेन बॉडी है तो इसको इरीगेट करके और मॉइस्ट कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं जेंटली. An embedded foreign body cannot be removed with irrigation or with a cotton tip applicator. मान लो अगर वो अंदर की तरफ में ज़्यादा हो गया है तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनको cotton tipped applicator से remove नहीं कर पाएंगे. Then once we have to cotton swab or 3 mL syringes we have to use, okay, to remove this foreign bodies and 25 to 27 gauze needle we have to use or syringe number 3 mL we have to use, cotton swabs we have to use. Then after that, after finishing the procedure we have to wash the hands, then we have to record in patient's documents or record the patient's file. Okay, I hope you understood. Okay, thank you.